हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी प्रीमियम क्लास। आज का टॉपिक मोस्ट आईएमपी है, जो एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा आपके ऑनलाइन सेट में जरूर। और ये सारी एग्जाम जैसे बोल सकते हैं हम एसएससी हो गया, सीपीओ हो गया, रेलवे के एग्जाम हो गए, एनटीपीसी हो गए, मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को मैंने एक जगह कलेक्ट करा है और सारे मोस्ट आईएमपी है। और इसके वैज्ञानिक नाम हम देखेंगे और उसको साथ में ट्रिक से, और मात्र आप 2 सेकंड के अंदर उसे आराम से लगा देंगे ऑप्शन के थ्रू। तो आइए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज का देखिए, पहला ये नाम क्या हो गया, नॉर्मल साधारण नाम हो गया, और ये उसका क्या हो गया, वैज्ञानिक नाम। तो आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, बस आपने को ये ध्यान रखना है कि उसके वैज्ञानिक नाम क्या होगा। अब सबसे पहला जो है, सबसे पहला नाम कौन सा हो गया, नीम। ठीक है, अब नीम को कैसे याद रखेंगे आप, जैसे आप पेड़ देख रहे हैं, नीम को ऐसे याद रखिएगा। नीम को क्या रखना है हमें, आजाद, क्या याद रखना है, येल्लो पोर्शन आपको दिख रहा होगा। नीम जब भी नाम आ रहा है और वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया तो आपको क्या रखना है, आजाद। अब नीम को आजाद रखना है, अब ऐसा क्यों, 2 विशेषता और एग्जाम में बहुत बार बार पूछी गई है। तो नीम ध्यान रखिए 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, रात में भी ऑक्सीजन देता है को नीम का पेड़। और दूसरी चीज, पोल्यूशन को कम करता है, ठीक है, प्रदूषण जो होता है उसको कम करता है को नीम का झाड़, जिस कारण से हमें उसको क्या करना, आजाद करें और ज्यादा नीम के झाड़ लगाएं। ध्यान रखिएगा नीम से क्या याद रखना आपको, आजाद। अब नीम के साथ 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले कुछ और भी पौधे हैं, तो ध्यान रखिएगा रामा तुलसी हो गई, तुलसी ग्रीन हो गई, पीपल हो गया, एलोवेरा जो है, ये सब जो है 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो आपको याद रखना है नीम को क्या रखना है, आजाद, और ये 24 घंटे क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। तो अगला नाम हम देखते हैं, अगला नाम बहुत बार पूछा गया है, अगला नाम क्या हो गया दोस्तों, कॉटन। कॉटन का साइंटिफिक नाम क्या है, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, कॉटन को याद रखना, ग्रॉसी। ग्रॉसी मतलब क्या, गद्देदार होती है, फोम जैसी होती है। तो कॉटन का जब भी साइंटिफिक, देखिए साइंटिफिक नाम में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे वहां पर, और आपको मात्र दोनों में से एक चीज पे याद रखना है, कोई सी भी चीज, ठीक है, दोनों में से एक कोई सी भी चीज याद रखिए आप और वहां पर टिक लगा दिए। कॉटन में क्या रखना है, ग्रॉसी। ग्रॉसी मतलब क्या हो गया, गद्देदार, गद्दा बनता है जिससे, कॉटन में इतना याद रखिएगा। अगला नाम है ओनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन। पिक्चर देख के तो आपको मुंह में पानी आ ही गया होगा। अब इसमें क्या याद रखना है, प्याज और लहसुन जो है वो किसके साथ बनाए जाते हैं, ध्यान रखिए, आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, ये क्या है, आलू। तो आपको याद क्या रखना है, प्याज और लहसुन जो है आलू के बिना क्या है, अधूरे हैं। तो बस प्याज और लहसुन जब भी आए, ओनियन और गार्लिक, आपको क्या याद रखना है, किसके बिना अधूरे, तो ध्यान रखिएगा आलू के बिना क्या है, अधूरे हैं। तो प्याज और लहसुन का साइंटिफिक नाम में क्या आ जाएगा, आलू नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों नाम भी हमारे क्या हो गए, कंप्लीट। खाली आपको प्याज और लहसुन में क्या याद रखना है, आलू। तो अगले नाम की ओर बढ़ते हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और मात्र 2 सेकंड में आप वहां पर एग्जाम में लगा देंगे, ये मेरी गारंटी। अगला नाम है पोटेटो। पोटेटो मतलब क्या हो गया, आलू। आलू का आकार कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा ट्यूबर टाइप का होता है, जिससे क्या बनते हैं दोस्तों, स्नैक बनते हैं। तो आलू जब भी आ रहा है तो क्या रखेंगे, ट्यूबर। और प्याज और लहसुन में आलू याद रखिए, और नीम को क्या रखा था हमने, आजाद करा था, तो ध्यान रखिएगा। और कॉटन को गद्देदार है, ग्रॉसी है। मात्र 5 नाम हो गए मात्र आपके करीब 1.5 मिनट में। अगला नाम देखते हैं एप्पल। एप्पल और साइड में आपने सिंबल तो देख ही लिया होगा, ये काय का सिंबल है, तो ये है पाए का। अब जब भी एग्जाम में एप्पल का आपको वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो एप्पल का ए देख लेना, क्या देखना आपको, एप्पल का ए, और उसको क्या पहना दो, टोपी पहना दो। अब ये देखो टोपी पहनाने के बाद कैसा लग रहा है, पाए जैसे ही लग रहा है। तो एप्पल का साइंटिफिक नाम क्या याद रखेंगे, पाए। बस इतना सा याद रखना है, एप्पल का नाम पाए, और आलू के साथ ट्यूबर टाइप का है, ठीक है दोस्तों। अगला नाम की ओर देखते हैं। अगला नाम है पाइनएप्पल। अब पाइनएप्पल आपको चित्र को दिख ही रहा होगा, तो पाइनएप्पल किसको पसंद है, तो ध्यान रखिएगा नाना जी को क्या पसंद है, नानू को क्या पसंद है,
पाइनएप्पल पसंद है। ध्यान रखिए पाइनएप्पल जब भी आए तो आपको क्या याद रखना है, नानू याद रखना है। तो पाइनएप्पल किसको पसंद है, नानू को पसंद है। और एप्पल में क्या याद रखना है, पाई याद रखना है आपको बस। अगले नाम की ओर बढ़ते हैं। अब अगला आ गया नाम, अगला नाम क्या है, मेज। अब मेज क्या हो गया, मक्का। ठीक है, तो आपको मेज नहीं पढ़ना है, मजा पढ़ना है। क्या पढ़ना है यहाँ पर, मजा। मजा कब आता है, जब क्या करते हैं हम, जी टीवी देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा मजा कब आता है, जब हम जी टीवी देखते हैं। तो मक्का जो है, मेज जो है, उसका साइंटिफिक नाम क्या रखें, जी। बस इतना याद रखना है। ध्यान रखिए मजा कब आता है, जब हम जी टीवी देखते हैं, बहुत सारे सीरियल आते हैं। तो आइए अगले नाम की ओर बढ़ते हैं। अगला नाम कैप्सिकम। कैप्सिकम मतलब क्या हो गया, शिमला मिर्च। ध्यान रखिएगा शिमला मिर्च। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, हम दूर से अगर शिमला मिर्च को देखेंगे तो यह लाल रंग की है, पीले रंग की है, हरे रंग की है, और लाइट पीला रंग या डार्क पीला रंग की है। अब दूर से देख रहे हैं तो हमको भ्रम हो जाएगा, भैया वो स्क्रीन जो है लगी हुई है वहां पर, ऐसा लग रहा है कि वहां पर फ्रूट पर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, फ्रूट रखा है। और पास में जाके हमने देखा तो क्या निकली, हो तो शिमला मिर्च निकली। तो कैप्सिकम को कैसे याद रखना है, फ्रूट सीन। क्या रखेंगे, फ्रूट सीन याद रखेंगे। ठीक है, वो सीन जो हमने देखा था 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, तो वहां पर ऐसा लग रहा था वहां पर क्या है, फ्रूट रखा हुआ है। क्या है, फ्रूट रखा हुआ है। तो जिस कारण से फ्रूट याद रखना है, इसमें कैप्सिकम में फ्रूट सीन। कैप्सिकम का याद किसे रखना है, फ्रूट स्किन याद रखना। अब अगला, अगला नाम बहुत सा एमपी हो गया। क्या नाम हो गया, कैरेट। कैरेट क्या हो गया आपको, कैरेट मतलब क्या हो गया, गाजर। अब गाजर जो है वो कौन खाता है, तो ध्यान रखिएगा कृष्ण का भाई कौन था, दाऊ। तो ध्यान रखिएगा गाजर सबसे ज्यादा कौन खाता है, दाऊ खाता है। ध्यान रखिएगा कौन है, दाऊ। तो आपको इतना जाना है कैरेट मतलब क्या हो गया, गाजर। गाजर कौन खाता है, दाऊ खाता है, और उसकी क्या आती है, ताकत मिलती है। ठीक है, और वैसे गाजर में कौन सा विटामिन होता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए होता है। अब उसके बाद क्या हो गया, बनाना। अब बनाना मतलब क्या हो गया, केला। अब केला जो है उससे तो आजकल बहुत सारी क्या बनती है, डिश बनती है। आजकल केला जो है उससे अलग अलग प्रकार की, यानी कि 50 से 60 तरह की डिश बनने लग गई है। तो आपको क्या, बनाना जब भी आए तो आपको क्या रखना है, डिश याद रखना है। बस इतना मात्र याद रखना, क्या रखना है, डिश याद रखना है। बनाना की क्या बनती है, आजकल बहुत सारी डिश बनती है। अब अगला देख के चौंक गए होंगे आप। अब जिंजर मतलब क्या हो गया, अदरक। अदरक जो है किस समय खाते हैं हम, ठंड के समय तो खाते हैं। अदरक जो है ठंड के समय तो ज्यादा खाई जाती है। अगर आपने गर्मी में अदरक खा ली तो आपका चेहरा भी इसके ऐसा हो जाएगा। मतलब अदरक को ऑफ सीजन नहीं खाना चाहिए। अदरक अगर हम ऑफ सीजन खाएंगे तो शरीर में क्या हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। और गर्मी बढ़ने से नतीजा तो आप देख ही रहे हैं, पिंपल्स हो जाएगी। तो जिस कारण से जिंजर को जो है, अदरक को है, एक पर्टिकुलर समय में खाया जाता है, या तो ठंड के समय में या बरसात के समय में। ठीक है, इसे ऑफ सीजन मत खाइएगा, वरना इसके जैसे आपका फेस हो जाएगा, आप पिंपल्स वाला। तो आइए अगला नाम की ओर बढ़ते हैं हम। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगला नाम टर्मरिक। टर्मरिक मतलब क्या हो गया, हल्दी। हल्दी जो है उसको जो है बहुत ज्यादा समय तक चलती है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, इसमें लौंग याद रखना। लौंग समय तक क्या चलती है, हल्दी बहुत ज्यादा समय तक चलती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला नाम टोबैको। टोबैको मतलब क्या हो गया, अगर कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, टोबैको खाता है, तो हम क्या बोलेंगे, नको। भैया ऐसा मत कर। तो ध्यान रखना इसमें क्या रखा है, खाली याद रखना है नको, निकोटीन। ठीक है, तो क्या याद रखना आपको, नको याद रखना। अब नको इसलिए बोला हमने, जैसे बचपन में बोलते थे नको, अब नको इसलिए बोला है, अगर वो तंबाकू खाएगा तो उसको एक टाइम में माउथ का कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टोबैको में क्या याद रखना है, नको याद रखना है, निकोटीन। ठीक है, वैसे निकोटीन उसमें सब्सटेंस होता ही है, तो नको याद रखना है। अब तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अभी आने वाला है, 31
मई को मनाया जाता है तंबाकू दिवस, टोबैको दिवस। तो तंबाकू में क्या रखना है, रखो। आइए अगले नाम की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब क्या हो गया अगला नाम, बंबू। अब बंबू दैट मीन्स क्या हो गया, बांस। अब बांस जो है यहाँ पर कहीं पर भी उग जाता है, अब कहीं पर भी उग जाएगा, उसके कम पानी में भी उग जाएगा वो। अब वो क्या है, ऑर्डिनरी, ठीक है। यहाँ पर एक ही जगह क्या याद रखना आपको, ओ कर लो। ऑर्डिनरी मतलब क्या, कहीं पर भी उग जाता है, कम पानी की जरूरत पड़ती है और दूसरे पेड़ों को उगने ही नहीं देता आसपास, आप देख ही रहे। तो ध्यान रखना है आपको, बंबू या फिर बांस का झाड़ का आएगा तो आपको क्या रखना है, ऑर्डिनरी याद रखना है सिर्फ। अगला नाम क्या हो गया, राइस। अब राइस जो हो गया, चावल जो हो गया, तो पता ही नहीं है, चावल चावल से कभी पेट भरता है क्या, या फिर एक बार चावल ले लिए हैं तो अपन क्या बोलते हैं, ओरला। क्या बोलते हैं, एक और बार लिया ओरला। तो चावल में क्या याद रखना, खाली ओर याद रखना, ओरला, ठीक है। क्या रखोगे, ओर जाके ला, थोड़ा ओर जाके ला। चावल, चावल से कभी पेट भरता ही, ध्यान रखिएगा चावल में ओर ला। अब मैंगो, मैंगो का तो आपको लोगों को याद ही होगा, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। इसको तो हम बचपन से पढ़ते आए, मैंगो को कैसे याद रखें, मैग्नीफेरा इंडिका। अगला नाम है लेमन। लेमन में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। लेमन और ऑरेंज में कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड होता है। अब लेमन में क्या याद रखना है, साइट्रिक, तो कभी ये दोनों ऑप्शन आ गए तो क्या होगा, तो लेमन का यहाँ पर एल याद रखिए, ठीक है, लिमो याद रख लेना। और ऑरेंज में क्या आ गया, ओ का यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो गया, ए। वैसे अगर दोनों आए, लेमन में क्या, लेमन और ऑरेंज में क्या रखना है, साइट्रस, साइट्रिक एसिड याद रखना है, और लेमन में एल याद रख लीजिए, और अदर ऑप्शन आए ऑरेंज तो साइट्रस और ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों नाम हो जाएंगे। अगला नाम तो बहुत बढ़िया है, और इसको देख के तो आपको ऐसा लग रहा हो कि लॉकडाउन तोड़ के जाके जूस पिया है, ठीक है। अब इसमें याद रखना है आपको चीकू, चीकू का जो रस जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो चीकू को कैसे याद रखना है, चीकू का अच्छा रस होता है, कैसा रस होता है, अच्छा रस होता है, ठीक है। याद क्या रखना है, चीकू जब भी सामने आए तो बोलना क्या है, अच्छा रस है किसका, चीकू का, बहुत ही टेस्टी लगता है, ऊपर से चॉकलेट डल जाए तो क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा चॉकलेट फ्लेवर। तो चीकू में क्या याद रखना है, अच्छा रस। फिर उसके बाद आपको याद रखना है पपाया। पपाया मतलब क्या हो गया, पपाया मतलब पपीता और केरी का, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा है, पपाया और केरी, पपाया और केरी दोनों का सीजन जो है एक ही समय में आता है। पपीता और केरी दोनों क्या आती है, एक ही सीजन में आती है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पपाया आया है वहां पर क्या याद रख लेना, केरी का, ठीक है। पपाया और केरी दोनों क्या होती है, देखिए इधर भी नाम सेम आ रहे हैं, तो दोनों क्या होती है, एक ही सीजन में आती है। अगला नाम की ओर बढ़ते हैं, ये भी मोस्ट टाइम पी है। अगला नाम है पोमीग्रेनेट, मतलब क्या हो गया, अनार। अब अनार जो है किसको पसंद है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो एक दो ट्रिक बताता हूँ, उनको पसंद है। अब उनको पसंद है तो आधे से ज्यादा तो ही माइंड में बैठ जाऊंगा, अनार जब भी आके बोला उनको पसंद है, या फिर इससे याद नहीं हो रहा है तो ध्यान रखो, अनार किसको पसंद है, उनिका को पसंद है। किसको पसंद है दोस्तों, उनिका को क्या पसंद है, अनार पसंद है, ध्यान रखिएगा। पोमेग्रेनेट मतलब क्या, अनार हो गया, अनार किसको पसंद है, उनको या उनिका को पसंद, इसे याद रखना। अगला जो नाम है पीपल, पीपल जो है आप चित्र में देखते ही बराबर समझ गए होंगे, पीपल जो है क्या हो गया, रिलीजियस से संबंधित है, धार्मिक। तो आपको क्या याद रखना है, रिलीजियस याद रख लीजिए पीपल में, खाली क्या रखना है, रिलीजियस याद रखना है किसमें, पीपल में, क्योंकि पूजा पाठ और ये सारी चीजें जो होती है तो पीपल, मैक्सिमम पीपल के झाड़ पे होती है। ध्यान रखिए पीपल किससे रिलेटेड हो गया, रिलीजियस से याद रखना। अगला नाम है सोयाबीन। अब ये बताओ दोस्तों कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या होता है, अब सबसे ज्यादा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। ध्यान रखिए मैक्सिमम क्या होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, कितना होता है प्रोटीन, और प्रोटीन होता है 40-46% तक प्रोटीन पाया जाता है, किसमें, सोयाबीन में।
विश्व में, विश्व की अगर पर्टिकुलर 100 ग्राम की अगर कोई भी चीज ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन देखा जाए मछली, दाल और बहुत सारी चीजें हो गया जैसे मशरूम हो गया, तो सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा सोयाबीन में। तो सोयाबीन में क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या आपसे क्वेश्चन पूछा तो ध्यान रखिए 40 से 46% क्या होता है प्रोटीन। ठीक है, तो सोयाबीन का याद रखना, मैक्सिमम याद रखना आपको। अगला नाम देखते हैं दोस्तों, अब केट में याद रखना है फेलिस याद रखिए। ठीक है, केट में क्या रखिए, फेलिस, फेलिस मतलब क्या होती है, भयंकर खतरनाक एनिमल की कैटेगरी में कौन आती है, बिल्ली आती। अगला नाम तो चिंपांजी आ गया। अब चिंपांजी को हम क्या बोलते हैं, बहुत ही बुद्धिमान। ठीक है, ध्यान रखिए क्या बोलते हैं, चिंपांजी को बहुत ही बुद्धिमान और इतना इंटेलिजेंट होता है, वो किताबें भी पढ़ सकता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे माइंड में छाप रही है। अब इसमें एक चीज और याद रखिए, चिंपांजी इतना इंटेलिजेंट है कि वो पेन से लिखता है, किससे लिखता है, पेन से लिखता है। चिंपांजी इतना इंटेलिजेंट है कि वो क्या करता है, पेन से लिखता है। बस चिंपांजी जब भी आ जाए तो ध्यान रखो चश्मा लगा के पेन से लिख दिया। ठीक है, चिंपांजी क्या रखना, पेन से लिखता है। अब हाउस फ्लाई, मक्खी, मक्खी जो है वो क्या है, चाहे जहां मिल जाती है घर के आसपास या फिर कहीं पे बाहर जा रहे हैं तो सारी जगह डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब सब जगह मिल जाती है क्या, मक्खी। तो हाउस फ्लाई में क्या रखना आपको, मक्खी, मक्खी हाउस फ्लाई है, इसमें डोमेस्टिक का याद रखना आपको मानसिक तरफ। अब भैया आ गया लॉयन और टाइगर। अब लॉयन और टाइगर में क्या चीज कॉमन है और इनके भी साइंटिफिक नेम पूछे गए, पैंथरा तो याद रहेगा आपको। अब इसमें लॉयन का एल याद रख लीजिए लियो, पैंथरा लियो, टाइग्रिस का क्या हो गया पैंथरा, टाइगर का क्या हो गया पैंथरा, टाइग्रिस हो गया। ठीक है, मात्र क्या याद रखना है, लॉयन और टाइगर में क्या होता है पैंथरा, और लॉयन का लियो, टाइगर का टिग्रिस। ठीक है, मात्र लॉयन और टाइगर के दोनों के नाम कंप्लीट। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि लॉयन और टाइगर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लॉयन और टाइगर में कौन स्ट्रॉन्ग है। अगला नाम है डॉग, डॉग जो रहता है वही चीज हो गई, आपने पिक्चर से देखते बराबर माइंड में क्रिएट तो कर ही लिया होगा और ये पिक्चर आपके हमेशा रहेगी माइंड में। डॉग जो रहता है वो क्या है, बहुत ही फेमिलियर है। ठीक है, सबसे क्या हो जाता है, हिलजुल जाता है डॉग, ध्यान रखिए क्या है, फेमिलियर, मात्र इतनी सी याद रखना, डॉग क्या हो गया, फेमिलियर हो गया, फेमिलियर की क्या है, कैटेगरी में आता है। अगला नाम है टोमेटो, मतलब क्या हो गया, टमाटर। और टमाटर का अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछता हूँ, मैक्सिमम बच्चों पढ़ रखा होगा, टमाटर का लाल रंग किस कारण से था, तो आंसर आपका आएगा लाइकोपिन। अब टमाटर में आपको बस लाइको याद रखना है, क्या याद रखना है, लाइको। टमाटर में अगर पूछा लाल रंग, लाइकोपिन, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, लाइको, बस लाइको क्या रखना है, बस लाइको नाम याद रखना है और आराम से आप चार ऑप्शन में से मात्र 2 सेकंड में ये टिक लगा देंगे। अगला जो नाम आ गया सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल, तो सनफ्लावर ऑयल जो है, एक क्वेश्चन में आपको बता दूं, सनफ्लावर ऑयल जो है उसका प्रयोग जो है हार्ट पेशेंट के लिए करा जाता है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम रहती है। और एक और क्वेश्चन एग्जाम होकर पूछा गया रेलवे एसएससी और इसके एसआई में कि सनफ्लावर भारत में सर्वाधिक कहाँ होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक में सबसे ज्यादा सनफ्लावर होते हैं भारत में। अब बात आगे वापिस से आ जाए, सनफ्लावर या सूरज या कुछ भी रिलेटेड सन से आए तो आपको हेली याद रखना, क्या रखना है, देखो एक चीज से दो चीज बता रहा हूँ तो दोनों एग्जाम में घुटवा रही है। सनफ्लावर में आपको क्या रखना है, हेली। ठीक है, सनफ्लावर का वैज्ञानिक नाम आया तो हेली। अब एक और जरा नीचे ध्यान रखिए, स्टडी ऑफ सन, सूरज का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा हेली, क्या नाम याद रखना, बस आपको याद रखना है हेली, सनफ्लावर आया तो हेली लगाना, सूरज का अध्ययन है तो हेली लगाना है, हेली। सिस्मोलॉजी, जैसे एक सिस्मोलॉजी क्या होता है, भूकंप का अध्ययन भी होता है, ध्यान रखिएगा। और हेली शब्द आ गया है तो हमेशा आंख बंद करके आप सूरज और सूरज से रिलेटेड जो अगर जो चीज आई है तो वो चीज लगा सकते दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अगले, इस पे बहुत ही मजेदार लग रहा होगा और आगे और मजेदार होने वाला है।
अब देखिए तुलसी। अब तुलसी के यूज के बारे में सर्वाधिक कौन बताता है? आप तो देख ही चुके होंगे, माइंड में आ भी चुका होगा और अभी तक तो आंसर भी दे दिया होगा। कौन लोग बताते हैं? संत लोग जो बताते हैं भैया तुलसी बहुत ज्यादा काम में आती है और जिससे आपका इम्यूनिटी पावर जो है वो क्या है, बढ़ जाएगा। और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है और कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो तुलसी और ये सारी चीजें जो लौंग और अदरक ये सारी चीजें जरूरी हो गई, ये सारी चीजें इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बढ़िया काम रहेगा, सर्दी खांसी नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए तुलसी के बारे में कौन बताता है? संत लोग बताते हैं कि तुलसी जो है बहुत ही उपयोगी। और तुलसी भी क्या करती है, 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। ध्यान रखिए ऊपर हम देख के आए थे नीम और तुलसी 24 घंटे क्या करती है, ऑक्सीजन देती है। एक और नाम देख ले हम, अब सैंडलवुड मतलब क्या हो गया, चंदन। अब चंदन का प्रयोग क्या है, वापिस से एक नाम वापिस से याद रख लो। चंदन का प्रयोग सबसे ज्यादा कौन करते हैं? संत लोग जो है वो चंदन का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? तो बोलना हवन में प्रयोग करते हैं। कहाँ पर करते हैं? हवन में प्रयोग करते हैं संत लोग इसकी, चंदन की लकड़ी का। तो तुलसी के बारे में भी संत अंकल ने बताया हमें और चंदन के बारे में किसने बताया, संत अंकल ने बताया। ध्यान रखिएगा अगला नाम तो मोर साइंटिस्ट है, पीकॉक। आप भैया पीकॉक जो है, मोर जो है जब नाचता है ये पूरे पंख फैला लेता है और इसका बेस क्या होता है, तो उसके पांव जो रहते हैं, ठीक है याद रखना है, पांव क्या रखना, मोर आया तो पांव बहुत ही सुंदर रहते हैं, तो पांव जो है पांव याद रखना है आपको। किसको? पीकॉक। अगर मोर आया है तो कैसे नाचता है, पांव के थ्रू नाचता है, तो पांव याद रखना किसमें, पीकॉक मोर में। आपको साइंटिफिक नाम इतना याद रखना। अगला नाम की ओर चलते दोस्तों, अगला नाम है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है मोस्ट आईएमपी 3 क्वेश्चन बताएगी आपको एग्जाम में आने में, यहाँ सही में बताएगी, देखिए बताएगी पहले चीज। अब डॉल्फिन जो है प्लाटेनिस्टा गंगे टीका, इसका क्या हो गया, वैज्ञानिक नाम हो गया। अब गंगे से तो कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, गंगे टीका, गंगा नदी आ रही है। अब पहला तो डॉल्फिन का साइंटिफिक नाम क्या हो गया, गंगा, गंगा, गंगा टीका, गंगे टीका, ना कंप्लीट हुआ। अब ये हो गया भारत का जलीय जीव है, मीठे पानी में रहने वाली। ध्यान रखिएगा भारत का, आपको ये बहुत कम लोगों को पता होगा, भारत का जलीय जीव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन है, डॉल्फिन है। और इसको 18 मई 2010 को गंगा नदी की डॉल्फिन में, डॉल्फिन जो रहती है उससे क्या कर दिया गया था, अधिसूचित कर दिया गया था, मेंशन कर दिया गया था, और राष्ट्रीय जलीय जीव आपको क्या बताओगे, डॉल्फिन। साइंटिफिक नेम क्या होगा, बताओगे गंगे टीका। अगर डेट पूछ ली तो 18 मई 2010, ठीक है। और ये एक क्या है, एक और विशेषता बताता हूँ, ये एक नेत्रहीन मछली है और सबसे ज्यादा दिमाग का प्रयोग करने वाली जानवर पूरी पृथ्वी पर 20%, आइंस्टीन ने भी लगभग इतने कहा था, तो 20% अपने दिमाग का प्रयोग करने वाली मछली जो है या जानवर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा डॉल्फिन हो गई, ठीक है। और राष्ट्रीय जलीय जीव है ये, और 18 मई 2010, ध्यान रखिएगा प्लाटिनिस्टा गंगे टीका, ठीक है। तो ये मोस्ट आईएमपी नाम बन गया, तो ये मोस्ट आईएमपी थे दोस्तों। तो ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसका एक और पार्ट बचा हुआ है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और आपके लिए ऐसे लेक्चर में और जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।